सो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं केक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देखा आपको पता चल गया होगा, क्योंकि दोस्तों इस जॉब में आपको रूम प्लस फूड फ्री में मिल रहे हैं। सपोज दैट आप अदर स्टेट से काम करने आते हो, मान लिया यूपी बिहार या कोलकाता लोकेशन से ही जॉब करने आते हो, और आपको फैसिलिटी में चाहिए कि हमें रूम भी फ्री में मिले, फूडिंग भी फ्री में मिले, तो यहाँ पर आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटीज होने वाला है। दोस्तों वीडियो पूरा देखिएगा, एंड देन हम कॉन्टैक्ट नंबर पहले से ही मेंशन कर दिया, आप देख सकते हैं। तो कॉन्टैक्ट नंबर हमने पहले से मेंशन करा, इसलिए कराए, आप वीडियो पूरा देखिएगा, ये हमें बिलीव हो गया। एंड वीडियो को लाइक नहीं करते हो आप लोग, प्लीज़ लाइक करो, मोटिवेट करो, ताकि हम ऐसा वीडियो आपके लिए लाते रहें, आपका हेल्प कराते रहें, एंड आपके लिए वीडियोज लाते रहें और जॉब प्रोवाइड कराते रहें। चलिए दोस्तों, हम डिटेल्स देते हैं और हम आपको बताते हैं। ये केक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिसमें केक बनते हैं। सपोज दैट बहुत सारे लोग का डिमांड रहता है रूम फ्री है, फूड फ्री है, ये दोनों कंपनी के तरफ से फ्री में मिल रहा है। ड्यूटी की बात की जाए तो ड्यूटी 12 आवर्स की शिफ्टिंग होने वाली है। देखिए जो बोला जाता है वही हम आपके साथ में एक्सप्लेन करते हैं। हमें अगर गलत बोलना रहता तो हम बोल देते कि यहाँ पर 8 आवर्स की ड्यूटी है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। यहाँ पर जो जेन्यून है वही बोलता हूँ, तो 12 आवर्स की शिफ्टिंग के लिए रूम और फूड फ्री है। ये बात हो गई ड्यूटी और फैसिलिटीज के बारे में। अब बात करते हैं जो मेन मुद्दा होता है यहाँ पर। देखिए बहुत सारे लोग बोलते हैं क्वालिफिकेशंस इसमें कुछ भी डिमांडेबल नहीं है, क्वालिफिकेशंस का कोई भी डिमांड नहीं है। एंड लोकेशंस की बात की जाए तो लोकेशन दूल्हागढ़ में होने वाला है, यही लोकेशंस में जॉब होने वाला है, हावड़ा में, हुगली में, तो ये सब आप मेंशंस कर लीजिएगा। लोकेशंस की बात कर ली, अब एज का क्राइटेरिया मेन मुद्दा होता है। एज लिमिटेशंस की बात की जाए तो एज आपका मिनिमम 18 और मैक्सिमम 40 ईयर्स होना चाहिए। देखिए कॉलिंग नंबर हमने स्क्रीन पर जो मेंशंस किया है, आप जल्दी से जल्दी कॉल करें एंड जॉब लेने की कोशिश करें, मिलते हैं कोई अगली जानकारी लेकर के। दोस्तों आपको सभी कुछ मैंने शेयर कर दिया पर्सनली। देखिए बहुत सारे कोलकाता में एजेंसी है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन डिक्यूमेंट उसी के कर रहे हो जो प्राइवेट लिमिटेड है, जो गवर्नमेंट से ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो चुके हैं, देन वहाँ पर आपको कोई भी फ्रॉड होने के चांसेस भी नहीं होते हैं। आपको जॉब 110% मिलता है, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स नहीं होते। दोस्तों आप अदर स्टेट से काम करने आते हो, कोलकाता में आते हो और आपको कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए, तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होता है। दोस्तों आज के वीडियो के इतना ही, मिलते हैं कोई अगले वीडियो में नई जानकारी लेकर के। तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।